गुड गवर्नेंस को लेकर एक कार्यशाला रखी थी जिले में, और इसमें हमारे जनपद के सभी जनपद स्तरीय अधिकारी आए। हमने एक तो उसमें जो हमारे सीएम हेल्पलाइन पोर्टल है या सीपी ग्राम से या सेवा का अधिकार अधिनियम है, जिसकी जागरूकता थोड़ी अभी भी कम है लोगों में, तो उसकी जागरूकता फैलाने के लिए सभी अधिकारियों को बोला है कि आप अपने डिपार्टमेंट्स में जो भी शिकायतकर्ता आते हैं उनकी शिकायत की मॉनिटरिंग सीएम हेल्पलाइन से करें, और समय पे जो निस्तारण हो भी रहे हैं उस निस्तारण की क्वालिटी भी चेक करें। यही नहीं कि आपकी शिकायतें सारी निस्तारित हो गई बस कागजी कार्रवाई ना रहे, बल्कि हर हफ्ते 5 से 10 शिकायतकर्ताओं से आप खुद वार्तालाप करें फ़ोन पर या पर्सनली, और उनसे फीडबैक लें, तो उससे आपको पता चलेगा कि डिपार्टमेंट में किस स्तर पर कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही है, और रियल पिक्चर पता चलेगी। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो हमारी वीसी ली गई थी उसमें भी डायरेक्शन दिए गए थे। उसके अतिरिक्त कई ऐसे इश्यूज़ हैं डिपार्टमेंट के जो कि कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से लंबित रह जाते हैं, और उसमें खामियाजा फिर आम जनता को भुगतना पड़ता है। तो हम लोग जनरली ऐसी मीटिंग करते हैं जिसमें डिपार्टमेंटल जो इश्यूज़ हैं, और मेरा मेन काम ये भी है कि हम इंटर डिपार्टमेंटल कोई ऐसी समस्याएं, कहीं ज़मीन की है, कहीं किसी का वेतन नहीं है, या कहीं कोई मुआवजा बटने में, जहाँ एक से अधिक डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं, उनको हम कोऑर्डिनेट कराते हैं और उनका बैठ के निस्तारित करते हैं। तो ऐसी मीटिंग में जनरली जो भी मसले हमारे नॉलेज में लाए जाते हैं वो सारे हम निस्तारित कर देते हैं, और लोगों को फिर कार्य करने में आसानी होती है।